अब हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत को आपको रूबरू कराऊंगा जो फिटनेस कोच हैं, और वो तो सबसे पहले तो मैम आप इससे आज आपका सेशन भी था, तो आज के प्रोग्राम में आपको आके कैसा लग रहा मैम? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच ये मौका देने के लिए, एंड लगने को तो बहुत अच्छा लगा। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आके मैं बहुत सारे लोगों तक अपनी बात और अपना जो काम है उसको मैं बता पाई हूँ कि एक्चुअल में एक फिटनेस कोच होता क्या है एंड हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है। तो ये बहुत अच्छा लगा, इतना ज़्यादा लोग इकट्ठे बहुत कम ही मिलते हैं, एंड उससे भी अच्छा लगा कि लोगों ने इंटरेस्ट लिया, लोग सुने हैं और बहुत सारे लोगों ने मुझे खुद से पूछा कि हाँ ये क्या है और आप क्या करते हो। तो इस तरह से अवेयरनेस आ रहा है लोगों के बीच में हेल्थ के लिए, क्योंकि हमारा काम है लोगों का एक नज़रिया है हेल्थ से रिलेटेड जो हम लोग चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, एक सेल्फ केयर, सेल्फ इंडिपेंडेंस होना चाहिए लोगों में, जो हमें चेंज करना है। लोग नहीं समझते हैं कि हमारी छोटी छोटी जो लाइफस्टाइल की गलतियां हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, वो हमारे ऊपर हमारे सेहत पे बहुत भारी पड़ रहा है आजकल। मैम एक्चुअली आपके पास जो फिटनेस कोच का जो कॉन्सेप्ट, किस तरह के ज़्यादा लोग आते हैं, किस तरह के प्रॉब्लम्स आप ज़्यादा फेस करती हैं? एक्चुअली देखिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा लोग आज के ज़माने की जो कुछ एक लीडिंग प्रॉब्लम्स है जिनके ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा रहता है वो है लोगों में एनर्जी की कमी है, लोगों को जॉइंट के रिलेटेड ये है, कोई तो बहुत ज़्यादा ओवरवेट है तो कोई बहुत ज़्यादा अंडरवेट है। अब बहुत सारी गर्ल्स हैं वो ऐसे आती हैं, या तो बहुत अंडरवेट है उनकी शादी नहीं हो रही है, या बहुत ओवरवेट है उनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं। बहुत सारे लोग हैं आजकल 20 ईयर्स में लोगों के जोड़ों में दर्द होने लगता है, जॉइंट पेन, यही सब है, स्लीपिंग डिसऑर्डर है, डाइजेशन इशू है, इतना सारा प्रॉब्लम्स है हर एक चीज़ में। बट क्या होता है हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं, नहीं देखते हैं, और यही छोटी छोटी चीज़ें हमें एक बड़ी बीमारी की तरफ ले जाती है। अच्छा मैम ये पूछना था, आमतौर पे जो वुमेंस आफ्टर प्रेगनेंसी फीडिंग जो करती हैं बच्चों को, उनमें किस तरह का प्रॉब्लम आप ज़्यादा देखती हैं, या ऐसे क्या माँ आती हैं जो फीडिंग कर रही हैं बच्चों को? आमतौर पर कॉमन प्रॉब्लम है फीडिंग उनका नहीं होता बोल के उनको बच्चों को बाहर का दूध पिलाना पड़ता, उनके लिए क्या आप खास प्रोग्राम करती हैं? या डेफिनेटली ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि अभी का ये लीडिंग प्रॉब्लम हो रहा है जो है पोस्ट प्रेगनेंसी फैट बढ़ जाना, पोस्ट प्रेगनेंसी मतलब जो हेल्थ खराब हो रहा है, लोग गर्ल्स जो है वो फीड नहीं कर पा रही हैं अपने बच्चों को, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी है, एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है जो हमें आजकल के नॉर्मल फूड से नहीं मिलता और हमारा लाइफस्टाइल वैसे ही खराब है, तो इसको हम लोग ठीक करते हैं। हम लोग बेस पे जाते हैं, रूट क्या है, हमारी बॉडी का नीड क्या है, हमारी लाइफ का नीड क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लोगों को गाइड करते हैं, उनको बताते हैं कि उनको क्या एक्चुअल में लाइफ में करना है। आपसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे करें? मेरा नंबर है 8013201438। एंड एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि एक हमारे सिस्टम में बहुत बड़ा इवैल्यूएशन आया है, वो है ऑनलाइन। ये कोरोना ने हमें ऑनलाइन के प्रति बहुत कुछ सिखा दिया है। होता क्या है, लेडीज़ जो होती हैं, ज़्यादातर लेडीज़ ही हैं जो सफ़र कर रही हैं बैड हेल्थ से। अब क्या है कि वो खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं, वो अपना घर छोड़ के कहीं जा नहीं पाती हैं, पर हमारा सिस्टम है जो वो पूरी तरह ऑनलाइन है। आप अपने घर में हैं, अपने ऑफिस में हैं, आप कहीं से भी हमारा सिस्टम को ज्वाइन करें, हमारी कम्युनिटी में जुड़ें और अपनी लाइफ स्टाइल। तमन्ना जी फिटनेस कोच हैं, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर किसी भी प्रॉब्लम में अगर आप घिरे हुए हैं उनसे आप कांटेक्ट करें, इनका डिटेल में जो है वीडियो में दे दूंगा। सकते हैं, मैं मीर हसन और आप देख रहे थे नई सदी न्यूज़, हमारे साथ बात करें। थैंक यू सो मच सर, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू।